दोस्तों, भारत ने अंतरिक्ष में एंटी मिसाइल से एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराते हुए 27 मार्च को अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति के लो अर्थ ऑर्बिट 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के अंदर पृथ्वी सब वस्तु को अपनी तरफ खींच लेता है। तीन देश अमेरिका, रशिया और चाइना को यह उपलब्धि हासिल थी। भारत चौथा देश हो गया है और हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़ा गर्व का पल नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ समय पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने स्पेस में 300 किलोमीटर दूर लो अर्थ ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को मार गिराया है। सैटेलाइट को एंटी सैटेलाइट मिसाइल के द्वारा मार गिराया गया है। सिर्फ 3 मिनट में सफलतापूर्वक यह ऑपरेशन पूरा किया गया है। दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया कि मिशन शक्ति अत्यंत कठिन ऑपरेशन था, जिसमें उच्च कोटि की तकनीकी क्षमताओं की आवश्यकता थी। हम सभी भारतीयों के लिए यह गर्व की बात है कि यह पराक्रम भारत में ही विकसित मिसाइल द्वारा सिद्ध किया गया है। एंटी सैटेलाइट वेपन्स ASAT उपग्रहों को नष्ट करने या निष्क्रिय करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे कई देश हैं जिनके पास ये क्षमता है, लेकिन भारत सहित केवल 4 देशों ने अपनी ASAT क्षमताओं को साबित किया है। अमेरिका ने पहली बार सन 1958 में, रशिया ने 1964 में, चाइना ने 2007 में एंटी सैटेलाइट का परीक्षण किया था। साल 2015 में रशिया ने अपनी PL-90 नोडल मिसाइल का परीक्षण किया था और अन्य परीक्षणों के साथ इसका भी परीक्षण किया था। DRDO ने फरवरी 2010 में ही बताया था कि इंडिया स्पेस में दुश्मन के सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक वेपन बनाने के लिए नेसेसरी टेक्निक डेवलप कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ASAT मिसाइल इंडिया को स्पेस में नई ताकत देगा। इससे किसी इंटरनेशनल रूल का उल्लंघन नहीं हुआ है। इंडिया हमेशा से स्पेस वेपन की होड़ के विरुद्ध रहा है और इससे उसके देश की किसी नीति में कोई परिवर्तन